रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा आज 42वीं एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस मीटिंग में मुकेश अंबानी ने कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि जियो के ग्राहक 340 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं और जियो देश की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। जियो फाइबर का कॉमर्शियल लॉन्च 5 सितंबर को होगा। इसके जरिए यूजर्स को 100 Mbps से 1 Gbps तक की स्पीड मिलेगी। इसके प्लान 700 रुपये से शुरू होकर 10,000 रुपये प्रतिमाह तक जाएंगे। जियो फाइबर फिक्स्ड लाइन से देश भर में कहीं भी फोन कॉल करना आजीवन मुफ्त रहेगा। कंपनी ने जियो फाइबर वेलकम ऑफर की भी घोषणा की है। जियो फाइबर का सालाना पैक लेने पर यूजर्स को 4K HD TV के साथ जियो का 4K सेट ऑफ बॉक्स फ्री मिलेगा। प्रीमियम जियो फाइबर यूजर्स फिल्म रिलीज होते ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो घर में ही देख सकेंगे। इस सर्विस की शुरुआत 2020 में की जाएगी। जियो ने नए गेमिंग प्लेटफॉर्म की भी घोषणा की है। कंपनी यूजर्स को गेमिंग सेट टॉप बॉक्स देगी जो सभी पॉपुलर कंट्रोलर्स को सपोर्ट करेगा। इसमें यूजर्स मल्टीप्लेयर गेमिंग तक कर पाएंगे। यह गेमिंग प्लेटफॉर्म जियो के हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के साथ काम करेगा। जियो फाइबर में मिक्स रियलिटी का सपोर्ट मिलेगा। इसके जरिए ऑनलाइन शॉपिंग, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को VR हेडसेट के जरिए एक्सपीरियंस किया जा सकेगा। यूजर्स को अनलिमिटेड US कनाडा पैक 500 रुपए प्रति महीने की कीमत में मिलेगा। जियो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है। इस पार्टनरशिप के तहत दोनों कंपनियां देश भर में डेटा सेंटर खोलेंगी। यह सर्विस 1 जनवरी 2020 से शुरू हो जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑयल टू केमिकल बिजनेस में सऊदी अरामको निवेश करेगी। सऊदी अरामको की 20% हिस्सेदारी होगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि कंपनी 18 महीनों में कर्ज मुक्त हो जाएगी। कंपनी ने अगले 5 साल में सालाना 15% की ग्रोथ से आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा है।